तो उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो एक बार आपका फिर से स्वागत है आप सबके अपने चैनल पर ट्रैवल एक्सपीरियंस कर। तो आज हम आपके लिए ले गए हैं, जैसे आपने देख ली होगी अनबॉक्सिंग आज की है Xiaomi Redmi MI के Note 7 Pro की, जो कि रहा ये। तो इसको हमने ऑनलाइन ऑर्डर करा था 29 मई को, इसको हमने ऑनलाइन ऑर्डर करा था और ये 31 को जाकर ऑर्डर प्लेस हुआ। पर ये समझ में है कि इतना डिले कैसे हो गया, आज 4 तारीख में ये आ चुका है, जिसकी कॉस्ट बैठी 13,999। इसके दो वेरिएंट है, जैसे कि आप जानते हैं ये 4GB 64GB वाला है, जिसमें 467 आपको मिल जाती है 4GB रैम और 64GB का इंटरनल मेमोरी। और इसका एक जो सेकंड वेरिएंट है वो सब आप जानते हैं कि 16,999 का आता है, वो आता है आपको 6GB रैम के साथ में और 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ में। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। और हाँ, आपने जो पहले स्टार्टिंग में अनबॉक्सिंग देखी है वो इसी की है, कि जिस समय इसको लेके आए थे तो हमने ये चेक करा था, ये अश्योर रहा था कि ये वही डिवाइस है या नहीं, क्योंकि ऐसा होता है कि ऑनलाइन में आप मंगाते मुझे कभी आता कुछ नहीं, इसके लिए हमेशा अवेयर रहे। तो आप देखते हैं इसकी एक बार फिर से अगली अनबॉक्सिंग। सो लेट्स गो, 3, 2, 1 लेट्स गो। तो ये रहा आपका एक बार फिर से बॉक्स। स्टार्टिंग में आपने इसकी अनबॉक्सिंग तो देख ली थी, वो जस्ट हमने चेक करा था, तो उसको एक बार फिर से आपको खोल के दिखाई देते हैं। तो जल्दी से हम खोलते हैं, और आज के हमारे कैमरामैन है छोटू, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद उनका। तो इसको थोड़ा सा कैमरा एंगल सेट करते हुए ये रहा। तो ये MI की तरफ से उनका ब्रांडिंग का था, ये पीछे का सब उनके बिलिंग वगैरह और शिपमेंट के आईडी होते हैं, ये उनका इसमें ये बिल वगैरह है। चलिए इसको साइड में रखते हैं। और ये रहा आपका MI की तरफ से बॉक्स। तो ये खोला, जैसे कि हमने इसको सुबह देखा था, तो उन्होंने इस बार बबल रैप नहीं दिया, पर कोई बात नहीं, कम से कम इसमें फोन तो है कुल मिला के सबसे अच्छी बात यह है। और ये रही फोन की, इंडिया नंबर 1 स्मार्टफोन ब्रांड हो चुका है, लेकिन इनकी फ्लैश सेल से बहुत से लोग बहुत दुखी हैं, मैं भी, क्योंकि काफी टाइम बाद आया इसमें। आपके जो सारे के सारे स्पेसिफिकेशन वो यही है, 48+5 मेगापिक्सल है, ये AI डुअल रेयर कैमरा, क्वालकम स्नैपड्रैगन 675, 16.3 फुल HD डिस्प्ले, नॉच डिस्प्ले के साथ में वही डॉट नॉच इसमें दी रखी होती है आपकी, 4000mAh की इसमें बैटरी है, और मेड इन इंडिया का मतलब वही आप जानते हैं कि भारत में बना हुआ है। लेकिन इसकी सच्चाई क्या है, आप सभी जानते हैं कि असेंबलिंग सिर्फ भारत में होती है, बाकी कहीं कहीं हो सकता है कि अब इसके प्लांट और खोलने की विचारधारा हो इनकी, बाकी काफी सारी ऐसी जानकारी है जो हमें इकट्ठी करनी पड़ती है आपके भी। तो ये रही आपका, टडा, ये रहे आपके क्विक स्टार्ट गाइड और मैनुअल, काफी लिखित का कार्रवाई होती है, और इसका केस, वाओ, अभी तक तो मैंने खुद इसको वीडियो में देखा था, लेकिन अब हाथ में लेके अच्छा लग रहा है और आपको सही बताऊं, मेरी लाइफ का अब तक का बहुत महंगा स्मार्टफोन है ये, इसके लिए डैडी के लिए एक थैंक्स डैड और घर वालों के। और ये रहा इसका चार्जर, जैसे कि अभी देख पा रहे हैं इसमें, और ये इसकी USB केबल कौन सी टाइप की है ये एक बार ये भी देख लेते हैं हम, टाइप सी केबल है ये इसकी, जो कि स्मार्ट चार्ज को सपोर्ट करता है ये फोन। वाओ, इसकी यही फिनिशिंग हमें चाहिए थी, सही बताया आपको, स्पेस ब्लैक। और अब इसको जल्दी से बूट करें, देखते हैं इसमें बैटरी होगी तो चाहिए थी, सुबह भी थी ही। Redmi by Xiaomi, Redmi Note 7 Pro, सच बताऊ बहुत अच्छी भी ला रही है इसको हाथ मिलेगा। और इसके पीछे की स्पेसिफिकेशन वगैरह, 2-3 स्पीकर, वाह। तो ये रहा आपका फोन, काम करते हैं इस, बेहतरीन। इसके पीछे का ये स्पीकर वगैरह कोई नहीं, ये हटा कर एक बार देखते हैं कि कैसा लगता है पूरा पूरा पैनल, कोई नहीं क्या करना। तो ये है इसकी पीछे की पूरी फिनिशिंग। और ये रहा फोन, और मैं आपको अपना पुराना फोन दिखा देता हूँ, क्योंकि अब ये मेरा फोन है नया, और मेरा पुराना फोन है ये SS Zenfone 2 ZE5N1ML। तो इसको रिटायरमेंट का टाइम आ चुका है, हालांकि मैं अपने फोन बेचता नहीं हूँ, लेकिन घर में यूज आ जाएगा, और अगर इसके पार्ट्स वगैरह यूज होते हैं तो बहुत अच्छी बात है, मतलब किसी भी फोन के अगर आप होते हैं, हालांकि इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट से इकट्ठा करने से कोई फायदा है नहीं, इसलिए उनको अच्छी तरीके से रिसाइकिल करें, या फिर अगर भी यूज में आ रहा है तो उनको यूज करना चाहिए। चलिए अब हम इसकी बात कर लेते हैं जल्दी से। तो इसमें जो आपको प्रोसेसर के साथ आपको प्रोसेसर मिला है, इसमें स्नैपड्रैगन 675, और इसमें आपको जो ऑपरेटिंग सिस्टम मिलेगा वो मिलेगा, तो इसमें जो आपका आपको मिल रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम वो है आपका पाई का,
ये रहा। तो अब जल्दी से इसके ओवरव्यू के फिजिकल बॉडी के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें पीछे की ओर आपके यही 48+5 मेगापिक्सल कैमरा, फ्लैश लाइट और आपका फिंगरप्रिंट सेंसर, और पीछे और आगे इसमें मैं गोरिल्ला ग्लास 5 की कोटिंग दी हुई है आपके, और ये वाटर टाइट है आपके, नैनो टेक्नोलॉजी पे बेस होके ये स्प्लैश प्रूफ है आपका, और इसमें आगे और पीछे गोरिल्ला ग्लास 5 दिया हुआ ही है। और इसका जो फुल HD डिस्प्ले है वो काफी देखने में बहुत ही बेहतर लग रहा है, आपको सच बताऊं तो ये था दोस्तों पूरा का पूरा फोन। और इसकी स्पेसिफिकेशन एक बार मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ, इसकी लॉन्च डेट थी वो थी मार्च 2019 ऑफिशियल, और ये ब्रांड इसका वही Xiaomi Redmi Note 7 Pro मॉडल, और Android 9 इसमें चल रहा है आपके पाई यानी, और कस्टम UI आपको MIUI की मिल ही जाती है जिसमें समय समय पर आपको अपडेट मिल जाएंगे, और डुअल सिम है इसमें जो कि GSM वाले और आपके नैनो बेस सिम इसमें चलते हैं जो कि हाइब्रिड सिम स्लॉट है, और 4G तो सपोर्टेड है ही है क्योंकि 4G तो सिंपल सी बात है भाई, चलना तो है ही। और इसकी जो हाइट का वो आता है 159.2 mm, और इसका जो वाइड आता है 75.2 mm, और थिकनेस इसकी जो आप बताई जाती है 8.1 mm की, और इसका जो वेट है 186 ग्राम। हालांकि बॉक्स भी जो हमें मिला था वो था आपका आधा किलो तक का, उसका बताया था 0.4 समथिंग था। और इसमें आपके जो आता है स्पेस ब्लैक कलर, नेपच्यून ब्लू और नेबुला रेड, और ये स्पेश फ्रूट जैसे कि बताया जाता है। स्क्रीन साइज वही आपका 6.3 इंचेस, और आपके जो इसका स्क्रीन रेजोल्यूशन है वो है आपका 1080x2340 pixels का, और एस्पेक्ट रेशो आपका आ जाता है इसमें 19.5:9 का, और आपका जो डॉट नॉच इसमें आ जाती है वो आपका ठीक है, और आपका जो फ्रंट कैमरा है वो इसमें आता है आपका 13 megapixel का AI के साथ में, और आपका जो चिपसेट है इसमें कॉलकॉम स्नैपड्रैगन का है, और ऑक्टा कोर 2 GHz के साथ में इसमें चलता है आपका। और रही बात आपके इसकी GPU एड्रीनो GPU की, तो वो है आपका 612, और 4GB का ये वेरिएंट है, 64GB इंटरनल मेमोरी, एक्सपेंडेबल मेमोरी आपकी अप टू 256GB तक इसमें आप इसको बढ़ा सकते हैं, और जो आपकी इसमें USB और OTG केबल आपके सपोर्टेड हैं, और इसका जो यूजर अवेलेबल स्पेस आपको मिल पाएगा 51.1 GB का, और इसी के साथ में ही है इसके सारे के सारे अपडेट, और इसमें जो भी आपके सेंसर हैं वो आपको मिल ही जाते हैं, और LED फ्लैश वगैरह आप सब जानते हैं, यू नो मच बेटर मोर देन मी, और यही है इसके सारे के सारे अपडेट। और एक बार इसकी आपकी सिम ड्राइव आपको जरूर दिखा देता हूं मैं। ये इसका सबका प्यारा दुलारा सिम इजेक्टर टूल, इसके बिना तो कोई काम नहीं हो पाएगा, हो तो जाएगा खैर, लेकिन इसकी बात ही अलग है। ये रहा हाइब्रिड सिम स्लॉट के साथ में, यही है इसका यहाँ पे आपकी सिम ट्रे टूल, ये इसका आपका राइट साइड में ऑन पावर ऑन ऑफ बटन, और ऊपर वॉल्यूम रॉकर, पीछे फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक ऑप्शन में आपको मिल जाता है। तो यही है इस फोन के बारे में सारा का सारा अपडेट, और इसको कुछ टाइम की यूज करने के बाद हो सकता है आपके लिए मैं एक वीडियो भी लाऊंगा जिसमें आपको नोट 7S और आपके नोट 7 प्रो के कैमरा के कंपेरिजन के फोटोग्राफ्स आपके साथ शेयर करें। तो जैसे कि आपने सब इसमें देखा, इसमें आपको ऊपर 3.5 mm का जैक मिल जाता है, और आपका नीचे वही माइक और टाइप सी केबल के लिए आपकी ये जगह रही, और आपके इसमें से एक माइक होता है और एक आपका स्पीकर है। और MI के फोन की एक बात काफी अच्छी लगती है, इसमें जो यूनिवर्सल रिमोट का कंट्रोल दिया हुआ होता है, जैसे इसमें इसका सेंसर ऊपर की ओर दिया हुआ है, वो सबसे अच्छी बात इनकी होती है, क्योंकि आपका एक्सेस बहुत सी चीजों में बढ़ जाता है डिवाइस के थ्रू। और उम्मीद करता हूँ आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर मुझसे कोई डिटेल मिस हो गई तो प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, और आपका कोई भी सुझाव हो तो प्लीज मुझे जरूर बताइएगा, और आपका ऐसा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू एंड थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।